नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वर्ल्ड इंडिया और मैं हूं आपके साथ आपकी एआई एंकर आद्या। स्वागत है आपका हमारे खास बुलेटिन में। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबरों से। प्रधानमंत्री मोदी ग्रीस पहुंचे हैं। बता दें कि 40 साल में ग्रीस की यात्रा करने वाले वो पहले भारतीय पीएम हैं। इससे पहले भारत से तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने सितंबर 1983 में ग्रीस का दौरा किया था। पीएम मोदी के ग्रीस दौरे पर एथेंस में भारतीय समुदाय के सदस्य काफी उत्साह में दिखे। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ईडी की ओर से जारी किए गए समन को सुप्रीम कोर्ट ने चुनौती दी है। सोरेन की ओर से ईडी को चिट्ठी लिखकर मामले में कोर्ट का फैसला आने तक अपनी कार्रवाई को स्थगित रखने की अपील भी की है। लालू यादव चारा घोटाले में जमानत पर है। सीबीआई उनकी जमानत के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची थी। आज लालू की जमानत पर सुनवाई हो सकती है। अमेरिका स्थित भारत केंद्रित एक थिंक टैंक ने एक रिपोर्ट में कहा है कि मणिपुर में धार्मिक हिंसा के कोई सबूत नहीं है और उसने इस हिंसा के लिए अंतर जनजाति अविश्वास, आर्थिक प्रभावों के डर, मादक पदार्थ और विद्रोह को जिम्मेदार ठहराया। देश के विभिन्न हिस्सों के लिए मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किए हैं, जिसमें बताया है कि आने वाले दिन पहाड़ों के लिए बेहद चुनौती भरे हैं। हिमाचल, उत्तराखंड के लिए रेड अलर्ट है, दिल्ली NCR और UP के लिए ऑरेंज अलर्ट है। तो फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।